Jutting and warm welcome to the one and only Harsh Beriwal. दिल दिल बाहर आ गया मेरा। बैठिए बैठिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपना YouTube चैनल बना देते हैं टाइम पास के लिए कि बना दिया एक आध डाल के देख लेते हैं कुछ होगा नहीं होगा। या फिर आपने सोच करके किया था कि मेरे को तो फोड़ना है यानी मेरे को कुछ नहीं मतलब मेरे को मैंने मजे मजे में ही किया था और मुझे ये था कि ना मेरे को एक्टिंग करनी थी कि भाई अब एक्टिंग का क्या है ना कि कुछ प्लेटफॉर्म का तो पता ही नहीं था, हमारे पास था ही नहीं। तो मैंने ये सोच के बैठा था कि मैं ना 12th खत्म हो जाए मेरी, मैं चला जाऊंगा मुंबई और लाइनों में लग के स्ट्रगल करूंगा, वहाँ पे कोई ना कोई ऑडिशन में कहीं ना कहीं चांस मिल ही जाएगा। तो गए आप मुंबई? नहीं नहीं, वो मिला ही नहीं ना मेरे को मौका, उससे पहले ही फेमस हो गया मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ सबको पता है, मुंबई ने इनको बुलाया, राइट? फिर मुंबई ने मेरे को कॉल भी आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए, तो मुझे लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने कहा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है 2-3 साल पहले और मुझे अभी से मूवी का कॉल क्या मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे को लगा ये पर्सनली। मैंने कहा यार अभी इतनी जल्दी हो गया, मेरे को मिल गया। तो उसके बाद मैंने ना उनका पूरा मेल भी चेक करा, मैंने कहा धर्मा से ही मिला है पूरा मेल। जब तक मेरे सामने टाइगर श्रॉफ नहीं आया ना मेरे को लगा कोई पागल बना रहा मेरा। मैंने कहा मैं मुंबई जाऊंगा 10-12 दिन में से काम वाम कराएंगे, मेरा फोन फोन छीन लेंगे और मेरे को भेज देंगे घर जा। तो मेरे को तो यही लग रहा था जब तक मेरे सामने पूरी प्रॉपर टाइगर श्रॉफ नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं मूवी कर रहा हूँ। हाँ। तब मेरे को यकीन हुआ। आपके दो वीडियोस के बीच में 3-4 महीने तक का गैप होता है कई कई बार, राइट? और आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब आधा घंटे से कई कई बार 50 मिनट तक भी वीडियो चली जाती है। 1.5 घंटे वाली आने वाली, अगली 1.5 घंटे वाली वीडियो। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट पूरी फिल्म ही हो गई एक तरीके से। तो इसके पीछे कोई रीजन, मतलब क्यों आप छोटा छोटा कॉन्टेंट नहीं बना रहे, यानी 10-10 मिनट का और जल्दी जल्दी नहीं बना रहे और इतना लंबा लंबा कॉन्टेंट इतने टाइम बाद बना रहे हैं, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन ये है कि छोटा सोच ही नहीं पा रहा हूं मैं, मतलब अरे मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरा नहीं माइंड चल रहा छोटे में। मतलब अच्छा। आप आधे घंटे के अंदर क्या स्टोरी दिखा दोगे, वो मुश्किल होगा ना। आपको पूरा प्रॉपर अगर स्टोरी दिखानी है, अगर एक करेक्टर का उसका बैकग्राउंड दिखाना है, उसका आगे का क्या है, करेक्टर आर्क दिखाना है, तो आपको 1-1.5 घंटा चाहिए ही होगा। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उसमें, ताली मत मारो। तो मेरा माइंड आपके दिमाग में चल रहा है पूरा फिल्म वाला, पूरा फिल्म चल रहा है। मैं उसी तरह से मैंने ऑडियंस को बिल्ड ही वैसे कर दिया अपनी। अब मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे गाली बकते हैं कि भाई तू छोटी क्यों बना रहा है, बड़ी बना। कुछ हो भी बकते हैं कि बड़ी क्यों बना रहा है, भाई नहीं देख पाते। बट जो ज्यादा लोग हैं वो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई छोटी मत बनाओ, अब हमें बड़ी ही देखनी है। जब फर्स्ट टाइम मैं आपका वीडियो देखा था, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था जो पबजी विद फैमिली था सर, जो आपका जो उसमें रोल है सर केडी का, सर उस सर केडी के एक्टिंग में सर दो डायलॉग बोल दीजिए सर। लव यू, ऐसा पेट फेंक के मारूं आदमी आ जाएगा एक में। थैंक यू सो मच सर। ये आपकी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी? नहीं नहीं नहीं, ये एक करेक्टर था जो वायरल हो गया था बेसिकली। वो ना ऐसे बाल वाला, मूछे वाला, कपड़े ऐसे थे, शक्ल ऐसी दिखती थी उसकी, तो ऐसा। तो वो कहाँ से आया, वो करेक्टर कहाँ से आया, मतलब आपके माइंड वो करेक्टर? मैं वो जो करेक्टर था ना वो ना बाय चांस ही बन गया। मतलब मेरे को क्या है ना कि समझ नहीं आता था कि कैसे क्या करेक्टर बना। मैंने बाप का करेक्टर करना था मेरे को, तो मैंने विग पहनी और वो पहन ली, मूछे लगा ली। मैंने कहा नॉर्मली बोलता, थोड़ी सी आवाज ऐसी खट्टी सी आवाज करके बोलता हूँ। तो मैंने ना धीरे धीरे करके ना वो ऐसी आवाज बनाई, तो वो लोगों को थोड़ी आवाज पसंद आई। हाँ। फिर धीरे धीरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐड करता रहा मैं, थोड़ा लड़की बाज कैरेक्टर होगा वो विद बाय वीडियो के बाद, वो धीरे धीरे उसका कैरेक्टर बनता रहा। अब इन द एंड मेरा प्रॉपर एक प्रिपेयर्ड कैरेक्टर है कि वो क्या कैरेक्टर है। और वो आपके ऑलमोस्ट हर वीडियो में आता है या कुछ? नहीं नहीं, कुछ कुछ में आता है, जिसमें आता है आग लगा जाता है। तो मैं बनाता भी कम हूँ ताकि ऑडियंस को भूख रहे थोड़ी। क्या नाम है उस कैरेक्टर का? कदमड़ी, शॉर्ट फॉर्म में कहता है केडी। केडी, अच्छा। आप मेरी दारू विद डैड देखना। कौन सी? दारू विद डैड। हाँ, पहला पार्ट देखना उसका, मजा। उसमें ये डैड है, वो जो केडी डैड है। हाँ, हाँ। उसका बेटा है कुंदन। अच्छा, तो बेटा शरीफ दिखाया होगा आपने। हाँ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, दारू पीने से पहले। अच्छा, दारू पीने से पहले बेटा शरीफ है। हाँ। पीने के बाद उसकी असलियत बाहर आती है, लेकिन केडी दारू पीने से पहले भी बाद में भी वैसा ही है वो। हाँ, दोनों आप देखना, मजा आएगा आपको। डन सर, मेरा यूट्यूब चैनल है मिस प्रिया नाम से, आप प्रमोशन कर दो। मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी थी यहीं की। बहुत सही जवाब दिया था उसने, मगर मैं और मेरे को भी ऐसे बाई चांस रील में आ गई थी और उस पर म्यूजिक लगा हुआ था वो वाला सिग्मा मेल वाला। मैंने कहा भाई ने क्या बात बोल दी यार। सर, मेरे
मेरा सवाल ये है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल डिसाइड करते हैं तो उसमें हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मतलब एफर्ट्स ऐसे हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें हमें, हम अगर सच में चाहते हैं वो करना तो एक डिसिप्लिन तो आता है, लेकिन वो डिसिप्लिन एक मतलब लिमिटेड टाइम तक ही रह पाता है चाहते हुए भी। तो इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम मतलब कम से कम डिस्ट्रैक्ट हों और हम उस सीरियसनेस के साथ ही वो मतलब पूरी प्रोसेस चलती रहे और अपने गोल को पा सकें। यार ये तो तुमने गलत आदमी से पूछ रहे हो तुम। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं खुद ना इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं खुद, ये आप बिल्कुल सही हो, ये मैं भी फिगर आउट करना चाहता हूँ कि कैसे इंसान ज़्यादा डिसिप्लिन, मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कभी कभी लाइफ में, और ना वो होना गलत नहीं है। जब तक आपको देखो क्या है ना कि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है, अगर मैं प्रॉपर वही रहूँगा ना तो मशीन बन जाऊँगा मैं, कि भाई मेरे को एक ही गोल करना है, एक ही गोल अचीव करना है। मैं डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में होती है, मैं भी क्या करता हूँ, कभी मेरा ही मन करता है एंजॉय करने का, कभी मेरा ही मन करता है बाहर पार्टी करने का, मैं कर लेता हूँ, बट उसके बाद अगले दिन जब मैं उठता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि चलो एक दिन मैंने खराब कर दिया, अब ये वाला दिन नहीं खराब करना। तो मेरे माइंड में यही रहता है कि बस ठीक है एक दिन एंजॉय कर लिया, अब डिस्ट्रैक्ट जितना होना था हो लिया। और कभी कभी जिससे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मेरा मन करता है बैठ के गेम्स खेलूँ, मैं मोहित के साथ बैठ के बहुत गेम्स खेलता हूँ, तो मैं पूरा दिन 24 घंटे में डिवोट कर दूँगा गेम को, मैं जब तक पक लूँगा ना गेम से उसके बाद मैं अपना काम पर फोकस कर लूँगा, तो फोकस बेटर होता है उससे। ठीक है अपना मन भर गया ना बाकी सारे उल्टे कामों से, गेम कर ली, पार्टी कर ली, मजे कर लिए, अब चलो ध्यान देते काम पर, तो मैं ऐसे फोकस करता हूँ। बाकी सर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे मेरा तरीका। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है या क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पूछ रहे हो, थोड़ा सा बताओगे? सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। हाँ तो वहाँ तो पूरा ही डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, वहाँ गेम में वहाँ ये हम जैसे लोग नहीं चलेंगे। सही जगह पे सही लोगों से सही क्वेश्चन पूछना, ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि कब कहाँ पे किससे क्या क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने तो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं किया है, ना पढ़ाई में हमने कभी कुछ उखाड़ा है, तो हम लोग एक्चुअल में अगर आप हमारी लाइफ को देखोगे, चाहे मेरी चाहे इनकी, आपको डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। वो आपको कहां नजर आएगी, जो लोग एक्चुअल में जो एक पर्टिकुलर रैंक लेकर के आते हैं करते हैं, तो अगर उनसे आप उस तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछते हो मेरे से, मेक सेंस क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड है। इनसे पूछते हो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, या कंटेंट से रिलेटेड, या यूट्यूब से रिलेटेड, मेक सेंस, इनका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। बट अगर आप हमसे पूछ रहे हो ऐसे किसी चीज से रिलेटेड जो मेरे तो बस का नहीं है, मेरे को इनका नहीं पता, बट मेरे बस का नहीं है, अगर आप मेरे को बोल दो कि ये क्रैक करना है, मैं क्रैक हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट मैंने पास्ट में ट्राई भी किया था एक बार, एक BBS का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को पता है कितनों को नहीं, BBS होता है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गया था, वहां से मैंने तैयारी करी थी, दिया था लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान के पास में ऐसा क्या है जिससे कि मैं कुछ सीख सकती हूं, तो वो पहले समझो, फिर उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। तो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू राइट काइंड ऑफ पीपल। मेरे से क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और हर बार मैं यही जवाब देता हूं। आपने बहुत बार वो आंसर नहीं देखा होगा क्योंकि वो एडिट हो जाता है, क्योंकि अब मैं कितनी बार एक ही बात बोलूं कि भाई मेरे पास में इसका जवाब नहीं है, आप गलत इंसान से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे क्या चीज पूछनी है। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। और आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्रिएटिव लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते नहीं है, मतलब सच बता रहा हूँ आपको, और जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, क्रिएटिविटी का एसेंस ही यही है। आर्टिस्ट आपको कुछ अजीब से मिलेंगे, उल जुलूल से मिलेंगे, उनकी लाइफ अगर आप एक्चुअल में जा करके देख लोगे ना, वो सुबह से रात तक क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे होते हैं। एक्चुअली मैं कभी पूरे दिन सोच रहा होता हूँ कि क्या आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा, और कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के चिल करो, 2:30 बजे के उनसे आइडिया आ गया। हाँ तो वो कहते हैं भाई रुक जा तो एंजॉय कर ले, वो आइडिया कभी भी आ जाता है, ऐसा है नहीं कुछ के फॉर्मूला हो। जो क्रिएटिव फील्ड होती है वहां के डायनेमिक्स अलग होते हैं, और ये जो फील्ड जिसकी आप बात कर रहे हो यानी किसी एंट्रेंस को क्रैक करना, बहुत ही अलग है। इनफैक्ट वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आप 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के गोवा में बैठे हो आराम से और कह रहे हो हाँ क्रैक हो जाएगा, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। बट हम कर सकते हैं, 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन 3 महीने बाद जो आई वो एक वीडियो अपने आप में 100 के बराबर है। क्वेश्चन मेरा ये है कि सर
व्हाट यू हैव गेन, आप सर हैप्पी हो अपनी लाइफ से, कि मतलब सर आप एक्चुअल जिस पोजीशन पे हो सर, आप जितना सर आपको आपके पास है सर, आप खुश हो इससे? भाई ऑब्वियसली खुश तो हूँ, बट पता क्या, इंसान ना बहुत लालची है, उसको हर बारी लगता है कि नहीं मैंने कम अचीव करा, मैं थोड़ा और अचीव कर लूँ। तो ये तो भाई मेरे माइंड, मतलब अच्छी बात भी है, एक आग रहती है एक इंसान के अंदर कि नहीं भाई और करना है और करना है, और एक बुरी बात भी है कहीं ना कहीं कि एक इंसान में कितना भी कर ले वो अचीव, उसके अंदर लालसा रहती है कि नहीं यार अभी और चाहिए और चाहिए। तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि हाँ मेरे अंदर आग तो है, मैं खुश भी हूँ और मैं लालची भी हूँ, और भूख रहनी चाहिए इंसान में ताकि वो और अच्छा अचीव कर सके ज़िंदगी में। तो मतलब अभी बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई उनके जैसे अभी बहुत लोग बैठे हैं कि हाँ भाई हर्ष तो 15 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके हमारे हो जाएं, बट मेरे को अब मैं 15 मिलियन में पहुँच गया ना, तो वो ना ये रहता है माइंड में यार अब 20 हो जाएं 25 हो जाएं, तो ये रहता है माइंड में, ये आप इसको कितना भी कुछ कर लो, खुश तो हूँ मैं, खुश डेफिनेटली हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ ना माइंड में रहती है मेरे कि नहीं अब और करना है। अब आई डोंट नो ये गलत है सही है, अब आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। नहीं नहीं बिल्कुल सही है ये, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर आपके माइंड में ये नहीं चलता, मतलब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपके माइंड में ये नहीं चलता कि यार मेरे को ना और ज़्यादा पैसा कमाना है या और ये करना है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्रिएटिवली मेरे को जैसे मैंने बताया ना, मेरे को ज़्यादा चलता है करनी है ताकि मेरा काम पहुँचे लोगों तक। अगर मेरे को पैसा ही देखना होता तो मेरी हर महीने 3 वीडियो आ रही होती, मैं कुछ भी बना देता, तो मेरे को वो नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ चाहे 3 महीने में, पर ऐसी आए कि लोगों को देख के लोग बोले अरे क्या बनाया है। जैसे मैंने बर्फ़ी बनाई थी एक वीडियो, वो नहीं चली इतनी, बट लोग जितने लोग मुझे प्रेस करते हैं ना उस वीडियो के लिए, कि जितने लोग बोलते हैं ना कि भाई तुमने क्या काम किया, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं पैसों का नहीं, मैं तारीफ़ का भूखा हूँ, सेटिस्फाई, मतलब बेसिकली कि अगर आप अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई हो गए ना, तो बस आप हो गए फिर। मेरे को तो लगता है कि भूख रहनी चाहिए इंसान में। अगर हाँ प्राउड हूँ यार, मैं ज़्यादा कहूँगा खुशी से ज़्यादा कि मैं प्राउड हूँ खुद पे कि हाँ मतलब मेरे को कहीं ना कहीं मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। मेरे पास अब इतना सब कुछ है कि मैं खुद की एक पिक्चर बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं खुद का हीरो बन जाऊँगा उसके अंदर, तो वो मेरे को उसके लिए मैं प्राउड हूँ। और ये भूख हमारे सबके अंदर होनी चाहिए, और ये कई बार ना कन्फ्यूजन भी होता है हमको, क्योंकि हम क्या है हर तरह की बातें हर जगह से सुन लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें सुन ली तो वहाँ पे कंटेंटमेंट वर्ड एक आकर के हमारे दिमाग में बैठ गया कि संतुष्ट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, व्हाटएवर। तो अब हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हमें खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको खुश होने का मतलब ये है कि दुखी नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है, क्योंकि अगर रोते रोते मैं ये काम करूं या ये अपना काम करें, सोचो रोते रोते एक वीडियो बना रहे हैं डी गए तो कौन देखेगा, मतलब वो एनर्जी मजा ही नहीं, खुद भी नहीं देखोगे, कोई भी नहीं देखेगा, किसी को मजा नहीं आएगा। तो मैं खुश होकर के वीडियो बना रहा हूँ, खुश होकर के सेशन कर रहा हूँ, ये भी खुश होकर के अपना काम कर रहे हैं, दैट इज वन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंदर से बहुत खुश हैं कि वी आर सेटिस्फाइड कि जितना होना था हाँ हो गया, बहुत है, नहीं अभी बहुत आ गए, अभी बहुत कुछ करना है, मेरे भी अंदर बहुत कुछ है कि हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, व्हाटएवर। सामने वालों को देख करके लग सकता है कि ये तो पीक है, इसके ऊपर अब और क्या हो सकता है, और इसी चीज में मजा है जब आपको खुद को भी लगता है अंदर से कि ये मेरे करियर का पीक है। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा पास में, कई बार क्या होता है कि, और ये क्रिएटिव लोगों के साथ में होता है कि मतलब लगता है अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार ये तो मेरा बेस्ट है, अब मैं अगली बार इसको कैसे बीट करूंगा, क्योंकि जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है या व्यूज होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, या खुद भी अंदर से लग रहा होता है कि ये तो मेरा बेस्ट बाहर आ गया, अब मैं क्या करूं, तो वो एक फियर आता है अंदर से। वो किसके आता है, जो और कुछ बड़ा करना चाहता है, फिर उससे बेटर हम कुछ कर जाते हैं, फिर लगता है अच्छा वो मेरा बेस्ट नहीं था अब ये है। तो फिर जब इस तरीके से हम बार बार उस बैरियर को क्रॉस करते हैं, यानी उस बैरियर को ऊपर करते चले जाते हैं, तो फिर अंदर से ये फीलिंग आने लग जाती है कि नहीं अभी भी ये बेस्ट नहीं है, अभी और कुछ बड़ा होगा, और कुछ बेटर होगा, अभी मेरे अंदर और कुछ बहुत कुछ बाकी है जो मुझे एक्सप्लोर करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मेरे को बहुत मजा आया आपसे मिलकर के।